हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। लास्ट की वीडियोस में हमने कोरिलेशन और कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डायरेक्ट मेथड से फाइंड करना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम शॉर्टकट मेथड से कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट को, जो कोरिलेशन के लिए होता है, फाइंड करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनदर फॉर्म ऑफ कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, लास्ट वीडियो में जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था वो हमारा ये फॉर्मूला था कि आर एक्स वाई इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार और अंडर रूट समेशन एक्स वाई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, जिसको हमने कैपिटल एक्स और वाई की फॉर्म में भी कन्वर्ट करके यूज़ किया था। ये कैपिटल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स वाई और अंडर रूट में समेशन एक्स का स्क्वायर इंटू समेशन वाई का स्क्वायर, जहाँ पर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई डेविएशन थे फ्रॉम द मीन, है ना। x माइनस एक्स बार को हमने कैपिटल x का नाम दिया था, y माइनस वाई बार को हमने कैपिटल y का नाम दिया था। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हमने यूज किया था लास्ट वीडियो में, और इसको हमने अप्लाई किया था उन क्वेश्चंस में जिसमें हमारा जो मीन निकलता है वो परफेक्ट इंटीजर की फॉर्म में आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मीन जो है हमारा परफेक्ट इंटीजर की फॉर्म में नहीं आता, तो उसमें आप ये शॉर्टकट मेथड जो आज हम कवर करेंगे, इस शॉर्टकट मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो अनोदर फॉर्म है, अगर हम यहाँ पर एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार की मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर ओपन करें दोनों का और उसको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करने पर इसकी दूसरी फॉर्म बनती है हमारी फॉर्मूले की, जिसको हम शॉर्टकट मेथड का नाम देते हैं। दूसरी फॉर्म बनती है आर एक्स वाई इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और अंडर रूट समेशन एन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अंडर रूट को अलग अलग लिखता हूँ कन्फ्यूजन ना हो आपको, माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट एन समेशन वाई का स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमने बनाया है, ये ऊपर जो फॉर्मूला है उसको मल्टीप्लाई करके, जो येलो कलर से हाईलाइटेड है, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला बनता है। फिलहाल वो तो एग्जाम में नहीं आता है, जो एग्जाम में आता है उसी पर ही फोकस करेंगे हम। इसको हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं, और इस मेथड को कब अप्लाई करना है, जब हमें जो अर्थमेटिक मीन डेटा का निकाले हम एक्स और वाई डेटा के लिए, वो हमें पॉइंट में मिल जाए, है ना, फ्रैक्शनली मिल जाए, परफेक्ट इंटीजर में ना हो, तो यू कैन यूज़ दिस मेथड। ये आपको पता ही है कि जो हमारा आर एक्स वाई निकलेगा उसकी वैल्यू माइनस वन या वन हो सकती है, माइनस वन और वन के बीच में आ सकती है। नोट में मैंने लिख दिया कि यूज़ दिस मेथड व्हेन एक्स बार वाई बार आर नॉट परफेक्ट इंटीजर, यदि वो डेसिमल फॉर्म में आते हैं तब आप इस शॉर्टकट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल्स में जैसे कि आपको दिया फाइंड द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यूज एक्स आई और वाई आई डेटाज दिया आपको, है ना। इसके लिए आपको यहाँ पर कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है। अब कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड करने के लिए जो ऊपर फॉर्मूला हमने शॉर्टकट मेथड का बताया वो इसमें अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा जान लेते हैं। यहाँ पर अगर आप समेशन एक्स निकालते हैं तो समेशन एक्स जो है हमें वो मिलेगा 34, समेशन वाई अगर निकालते हैं तो वो मिलेगा 90। टोटल हमारे 6 ऑब्जर्वेशन है, तो 34 को यदि 6 से डिवाइड आप करते हैं तो ये आपको 5.67 इस तरीके से कुछ मिल जाएगा, 666 यानी कि 67 कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारा मीन निकलेगा एक्स बार वो हमारा पॉइंट फॉर्म में आएगा, डेसिमल फॉर्म में आएगा, परफेक्ट इंटीजर नहीं है। अगर हम इसको यूज़ कर देंगे तो ये कैलकुलेशन को काफ़ी लेंथी कर देगा डेसिमल की होने की वजह से, है ना, और कैलकुलेशन टफ़ भी हो जाएगी हमारी। तो इसलिए हम यहाँ पर जो हमने पिछली वीडियो में मेथड सीखा था उसको अप्लाई ना करके हम यहाँ पर शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करेंगे। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला जो कि नीचे लिखा हुआ है, ये सब वैल्यूज़ हमें निकालनी है और बस इसमें पुट कर देनी है, है ना। एक्स हमारे पास है, वाई हमारे पास है, अब मुझे चाहिए एक्स बार एक्स स्क्वायर की वैल्यू, वाई स्क्वायर की वैल्यू और एक्स वाई की वैल्यू। एक्स का स्क्वायर निकालेंगे तो वन का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 7 का 49,
8 का 64, 10 का 100। फिर y स्क्वायर निकालेंगे दूसरे कॉलम से, तो 8 का स्क्वायर 64, 12 का 144, इन सभी वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर से फाइंड कर देंगे, 15 का 225, 17 का 289, 18 का 324 और 20 का 400। एक्स वाई की प्रोडक्ट करेंगे तो 1 की 8 के साथ करेंगे 8, 3 की 12 के साथ करेंगे 36, 5 की 15 के साथ करेंगे तो 75 एंड 119, 144, 200। अब इनका सम निकाल लेते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारी 248, समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी 1446, समेशन एक्स वाई की वैल्यू हमें मिलेगी 582। ये सारी वैल्यूज हम जो हमारा कर्ल पियर्सन कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला हमने शॉर्टकट मेथड से सीखा है उसमें सारी वैल्यू रख देंगे। टोटल ऑब्जर्वेशन हमने काउंट की थी 6 थी, तो एन की वैल्यू हम 6 रखेंगे, मल्टीप्लाई बाई समेशन एक्स वाई जिसकी वैल्यू 582 आई है, माइनस समेशन एक्स की वैल्यू 34 है, मल्टीप्लाई बाई समेशन वाई के साथ 90 वैल्यू है, सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, अंडर रूट एन की वैल्यू 6 है, मल्टीप्लाई होगी समेशन एक्स स्क्वायर के साथ यानी कि 248 जिसकी वैल्यू है, माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर यानी कि जो 34 हमारी वैल्यू है उसका होल स्क्वायर, अंडर रूट एन की वैल्यू हमारी 6 है, समेशन वाई जो है वाई का जो स्क्वायर है वो हमें 1446 मिला है, माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर यानी कि 90 का होल स्क्वायर। इसको हमें सिंप्लीफाई कर देना है बाय यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर आपको आंसर मिलेगा 0.9879। साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ बहुत ध्यान से करें, ठीक है, कैलकुलेशन करते हुए। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर कर्ल पियर्सन कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन की आएगी, आप देख सकते हैं माइनस वन और वन के बीच में है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए शॉर्टकट मेथड को लेते हुए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए कंप्यूटर वाइल कैलकुलेटिंग कोरिलेशन कोफिशेंट बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई फ्रॉम 25 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 25 दी है यानी कि एन की वैल्यू 25 है, और कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व करता है वो वैल्यूज़ को जब कैलकुलेट करता है कंप्यूटर से कोरिलेशन कोफिशेंट को, तो ये वैल्यूज़ वो कंसिडर करता है। इट वॉज हाउएवर लेटर डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ चेकिंग डैट ही हैड कॉपीड डाउन टू पेयर्स एज, है ना, तो थोड़ी देर बाद उसने चेक किया कि उसने इन पेयर्स को कॉपी कर लिया है, वाइल द करेक्ट वैल्यू वर, लेकिन जो वहाँ पर करेक्ट वैल्यू थी वो एक्चुअली में कुछ ये थी, मतलब कॉपी तो उसने ये वाली वैल्यू की है और करेक्ट वाली वैल्यू हमारी ये थी, ठीक है, यानी कि इसमें एरर है अभी उसके डेटा में, तो इस एरर को हटाते हुए जो हमारी करेक्ट वैल्यू आएगी कोरिलेशन कोफिशेंट की वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो वैल्यूज़ दी है, एक टेबल में आपको दी है इनकरेक्ट वैल्यूज़ जिसका यूज़ करके उसने ऊपर डेटा आपको गिवन है, इनकरेक्ट वैल्यूज़, और दूसरा आपको दिया है करेक्ट वैल्यूज़, ठीक है, करेक्ट वैल्यूज, और जो ऊपर डेटा है वो हमारा इनकरेक्ट वैल्यूज़ के लिए है, ठीक है। तो करना क्या है हमें कि करेक्ट वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए, ठीक है, करेक्ट वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमें कोरिलेशन कोफिशेंट को फाइंड करना है। अब इसमें सिंपल सा फंडा क्या होगा, बेसिक फंडा है, सिंपल सा फंडा हम यहाँ पर ये यूज़ करेंगे कि जो हमने इनकरंट वैल्यूज़ को लेकर के ऊपर फाइंड किया है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और करेक्ट वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे, ये इसमें सिंपल सा फंडा रहेगा, सब्ट्रैक्ट लिख देता हूँ उस बात को मैं, सब्ट्रैक्ट द इनकरेक्ट वैल्यूज़, ठीक है, जो ऊपर डेटा दिया है उसमें से इनकरेक्ट वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड ऐड द करेक्ट वैल्यूज़ एंड द कोरस्पोंडिंग करेक्ट वैल्यूज़, कोरस्पोंडिंग करेक्ट वैल्यूज़, इनकरेक्ट वैल्यूज़ को घटा देंगे और करेक्ट वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, तो जो हमारी एरर आई है वो ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो करेक्टेड डेटा निकाल लेते हैं, चलिए अब
करेक्टेड डेटा। करेक्टेड में हम पहले समेशन एक्स निकालेंगे, फिर हम समेशन वाई निकालेंगे, फिर हम समेशन एक्स का स्क्वायर निकालेंगे, फिर हम समेशन वाई का स्क्वायर निकालेंगे एंड फाइनली हम समेशन एक्स वाई को फाइंड करेंगे। तो जो समेशन एक्स हमें गिवन है वो दिया है 125। ऊपर से सारी वैल्यू रख देता हूँ जो गिवन है। समेशन वाई दिया है 100, ठीक है। ऐसे ही आपको समेशन एक्स स्क्वायर 650, समेशन वाई स्क्वायर आपको 460 एंड समेशन एक्स वाई आपको 508। यह हमें इनकरेक्टेड डेटा गिवन है। अब इसमें जो इनकरेक्ट वैल्यूज़ है उनको सब्ट्रैक्ट करना है, पर एक बात ध्यान रखना, जिस फॉर्म में समेशन है उसी फॉर्म में आपको इन वैल्यूज़ को यूज़ करना है। जैसे कि इससे बताता हूँ मैं आपको, ये आपकी इनकरेक्ट वैल्यूज़ है, ये कैसे यूज होगी। क्योंकि समेशन में खाली एक्स है, कोई स्क्वायर नहीं है, कोई क्यूब नहीं है, तो हमें क्या करना है, जो एक्स डेटा है उनको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। एक्स डेटा हमारा है, पहली वैल्यू एक्स की 6 है, लेफ्ट में देख सकते हैं आप, प्लस दूसरी वैल्यू 8 है। तो इसको हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया और जो करेक्ट वैल्यूज़ है उनको हमने ऐड किया, प्लस करेक्ट वैल्यूज़ दूसरी टेबल से मिलेगी जो कि 8+6 है, और सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पर 125 मिलेगा। सेम तरीके से वाई डेटा के लिए हम निकालेंगे, माइनस जो वाई डेटा है उसकी इनकरेक्ट वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे और करेक्ट वैल्यू जो दूसरी टेबल से मिलेगी उनको हम, सॉरी, इनकरेक्ट को घटा देंगे और करेक्ट को ऐड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा सेम वैल्यू 100। समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स वेरिएबल का स्क्वायर करना है ना, तो ये बात इसमें इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर किसका स्क्वायर होगा, एक्स वेरिएबल का स्क्वायर होगा, यानी कि जो इनकरेक्ट डेटा है 6 और 8, जो एक्स का डेटा है फर्स्ट टेबल में, उसका स्क्वायर करके आपको यहाँ पर यूज़ करना है, 6² 8² जो कि सब्ट्रैक्ट होगा, और जो लेटेस्ट डेटा है हमारा दूसरी टेबल में उसको हमें ऐड करना है स्क्वायर करके। स्क्वायर क्यों किया है ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है तो डेटा में हमें स्क्वायर करके ही सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करके भी हमारा 650 आएगा। ऐसी समेशन वाई का स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस, समेशन वाई का स्क्वायर निकालेंगे तो 460 में से वाई डेटा का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 14² + 6² जो कि इनकरेक्ट टेबल से मिलेगा, फर्स्ट वाली टेबल से, और फिर इधर आइए हमारे 12² + 8² साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 436 आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब जो लास्ट वैल्यू है उसमें समेशन एक्स वाई है, मतलब एक्स और वाई प्रोडक्ट फॉर्म में यहाँ पर चलेंगे। एक्स और वाई कैसे चलेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट फॉर्म में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनकरेक्ट वैल्यूज़ को हम प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लेंगे। एक्स और वाई प्रोडक्ट फॉर्म में चलेंगे तो इनकरेक्ट वैल्यूज़ के लिए हम देख सकते हैं कि 6 की मल्टीप्लाई होगी 14 के साथ और 8 की 6 के साथ, 6 × 14 और 8 × 6, क्योंकि जैसा आपको यहाँ पर दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर चलना है, 8 × 6, क्योंकि हमने एक्स वाई को मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें यहाँ पर लेफ्ट में देख सकते हैं समेशन एक्स वाई, एक्स और वाई दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसलिए मैंने उसी फॉर्म में इसको यूज किया है। जो करेक्ट वैल्यू है हमारी वो है 8, 12 और 6, 8, 8 × 12 और प्लस 6 × 8, इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करके आपको 520 वैल्यू मिलेगी। तो ये हमने करेक्टेड वैल्यूज सारी निकाल ली है। अब इस करेक्टेड वैल्यूज़ को बस जो शॉर्टकट मेथड वाला फॉर्मूला है उसको उसमें यूज़ कर देंगे। देयरफॉर करेक्टेड आर एक्स वाई, करेक्टेड आर एक्स वाई का फॉर्मूला होगा एन समेशन एक्स वाई, शॉर्टकट मेथड से समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइड बाई अंडर रूट एन समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, अंडर रूट एन समेशन वाई का स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ आपने ऊपर निकाल लिया, करेक्टेड वैल्यूज़ सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। एन डेटा दिया आपको 25 × 520, इसकी वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की है, माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हमारा है 125, 100 यहाँ पर वैल्यू रख देंगे,
डिवाइड बाय अंडर रूट एन की मल्टीप्लाई, यानी कि 25 की मल्टीप्लाई करनी है आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर के साथ, जो कि 650 है, माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स हमारा 125 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से आप ऊपर से सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, मल्टीप्लाई 436 माइनस 100 का स्क्वायर। साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सॉल्व करके आंसर आएगा 0.67। तो ये हमारा करेक्टेड कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। फिर इसमें कुछ डेटा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि यहाँ पर आपको सभी वैल्यूज दी है इस क्वेश्चन में, एक्स के लिए और वाई के लिए। समेशन एक्स दिया है, समेशन एक्स स्क्वायर दिया है, समेशन वाई दिया है, समेशन वाई स्क्वायर, समेशन एक्स वाई। तो जो वैल्यूज हमें दी है उनके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर शॉर्टकट मेथड एप्लीकेबल होगा, है ना। तो हम यहाँ पर एन की वैल्यू 100 दी है, 100 डेटास के लिए, 100 कॉलेज का ये डेटा है स्टूडेंट्स का। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूला रख के सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाते हैं, दो नंबर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली। तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड कंप्लीट हुआ। इसमें लास्ट मेथड नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, जो होता है स्टेप डाइविएशन मेथड। वो कब लगता है? जब हमारे जो इंटरवल्स दिया होगा, एक्स डेटा दिया होगा, उसमें जो लेंथ ऑफ इंटरवल होगी सबकी इक्वल अगर आ जाती है तो हम स्टेप डाइविएशन मेथड को यूज़ करते हैं।